Hey guys, my name is Alok Kumar, an English educator. Today I am going to discuss about how to find a common error in a sentence. Actually, the common error section is the most important part that is actually fully based on English grammar rules. So my friends, if someone is going to deal with sections, they must know all the rules of grammar. ओके जब तक दोस्तों ग्रामर रूल्स के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो ये सेक्शन को टच करना बहुत ही मुश्किल होगा दोस्तों बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दिस सेक्शन इज फुल्ली बेस्ड ऑन ग्रामर रूल्स सो लेट्स हैव सम प्रैक्टिस विद सम क्वेश्चंस यू कैन सी हियर देयर आर फोर क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन एंड वी विल डिस्कस एंड ट्राई टू फाइंड वेयर इज एन एरर इन दिस सेंटेंस ओके Let's begin. Let's read first questions. It is high time we meet my best friend Deepak. दोस्तों इसमें हम ढूंढना है कि error कहाँ है किस part में error है A part, B part and C part में sentence को divide किया गया है right? अभी हमें ढूंढना है ये देखना है कि A part में, B part में, C part में कहाँ error है अगर लगता है ये grammatically error है तो वही part हमारा अगर A में error होगा तो A part हमारा आंसर होगा अगर ए बी सी में से किसी में भी एरर नहीं रहा तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी ओके चलिए अब देखते हैं दोस्तों कहाँ एरर है इसमें तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे जो एरर पार्ट है हमारा वो बी पार्ट में एरर है ओके क्या एरर है दोस्तों कि यहाँ जहाँ मिट लिखा हुआ है वहाँ मिट नहीं फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा वर्ब का वो सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा क्यों होगा यहाँ मिट का प्रयोग क्यों करेंगे कि हम नोट करेंगे दोस्तों जब भी इट इज़ हाई टाइम लिखा रहे या इट इज़ टाइम लिखा हो उसके बाद अगर कोई भी सेंटेंस आता हो तो वो हमेशा पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे इट मीन्स इट इज़ हाई टाइम प्लस उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस MA2 क्योंकि पास्ट इनडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट उसके बाद MA2 मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में राइट तो यहाँ तो इट इज़ हाई टाइम फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में दिया हुआ है इट इज़ हाई टाइम राइट उसके बाद क्या आना चाहिए सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बी मीट जो अभी देखने में लग रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन हमें चाहिए क्या है इट इज़ हाई टाइम के बाद कैसा सेंटेंस चाहिए पास्ट इंडेफिनिट नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट ओके तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस MA2 डैट्स वाई वी हैव टू रिप्लेस मीट विथ मिट सेकेंड फॉर्म वर्ब का सेकेंड फॉर्म चलेगा राइट Now move to the second questions. Okay, just read it. He put his sign at the foot of the letter and posted it without delay. दोस्तों यहाँ कहाँ एरर है किस पार्ट में ए बी सी या फिर कोई भी एरर नहीं है क्या हो सकता है दोस्तों वीडियो को जल्दी से पॉज करके आंसर फाइंड करें कि कहाँ एरर है ओके चलिए आई होप कि आपके आंसर आपको आंसर पता चल गया होगा चलिए दोस्तों यहाँ जो एरर है ए पार्ट में है अब क्या एरर है दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं तो हमेशा ध्यान देंगे कि नाउन के रूप में साइन वर्ड गलत है राइट नाउन के रूप में साइन गलत होता है सही होता है सिग्नेचर जब हमें नाउन क्योंकि देखिए साइन वर्ड जो है वो वर्ब है एक्चुअली क्या है वो वर्ब है जैसे हम लोग बोलते हैं कम हेयर यानी कम क्या हो गया वर्ब हो गया अब उसी तरीके से हम बोलेंगे साइन हेयर यहाँ हस्ताक्षर करें तो यहाँ साइन वर्ड जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है बट यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ ही पुट के बाद ही जाया है ये पॉजिटिव केस है और पॉजिटिव केस के बाद हमेशा क्या चाहिए हमें नाउन चाहिए हमेशा ध्यान रखेंगे माई योर आवर दियर जो शब्द है ये पॉजिटिव केस है पॉजिटिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आते हैं तो यहाँ हिज के बाद जो वर्ड आया है वो नाउन होना जरूरी है तो जो साइन वो नाउन नहीं है वो वर्ब है तो हमें इसे नाउन बनाना होगा तो साइन का नाउन होता है सिग्नेचर तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ही पुट हिज सिग्नेचर एट द फुट ऑफ द लेटर एंड पोस्टेड इट विदाउट डिले ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड चलिए पढ़ते हैं इसे व्हेन वरुण हियर्ड द न्यूज डैट हिज फादर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड ही कैंसल्ड हिज ट्रिप एंड रिटर्न बैक टू हिज विलेज दोस्तों इसमें क्या एरर है ए पार्ट बी एंड सी किस में दिक्कत है दोस्तों ग्रामेटिकली हम लोग चेक करेंगे कि एरर किस पार्ट में है ओके
तो हमारा एरर पार्ट जो है वो सी नंबर है। ओके दोस्तों, सी में क्या एरर है? तो हमेशा याद रखेंगे कि रिटर्न वर्ड रिटर्न नेवर फॉलोड बाई बैक वर्ड, ठीक है, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लगता है, रिटर्न में ही बैक का मीनिंग छुपा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर रिटर्न के साथ कभी भी बैक लगाने की गलती ना करें। अगर अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, हालांकि पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, रिटर्न बैक टू हिज विलेज, लग रहा है कि वो अपना गांव वापस आ गया, बट रिटर्न मीन्स ही होता है वापस, तो बैक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ एरर जो पार्ट है, यहाँ सुपरफ्लस वर्ड का यूज़ किया गया, सुपरफ्लस फालतू दे दिया गया है, बैक को हम यहाँ हटा देंगे, रिप्लेस नहीं करना बल्कि इसे हटाना है। यानी राइट आंसर होगा दोस्तों, व्हेन वरुण हियर द न्यूज़ डैट हिज फादर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड, ही कैंसल्ड हिज ट्रिप एंड रिटर्न्ड टू हिज विलेज। ओके चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फोर्थ नंबर। ओके व्हाट एवर ही वाज टुडे इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज मदर हु वाज ए रिनॉन्ड साइंटिस्ट। दोस्तों पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। वट ईवर ही वॉज टूडे, कहना चाह रहा है जो कुछ भी हुआ आज है दोस्तों, यहीं पर एरर है। चलिए फिर भी पहले पूरा मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे, ठीक है। कभी 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 क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग समझने के बाद एरर अच्छे ढंग से पता चल जाता है। तो लेट्स फर्स्ट रीड इट, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि वट एवर ही वॉज टूडे, जो कुछ भी हुआ आज है, इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज मदर, वो केवल अपनी माँ की वजह से है, माँ की कारण के है वजह से है। जो हु वॉज ए रिनॉन साइंटिस्ट, जो एक विख्यात वैज्ञानिक है, कौन विख्यात है, उसकी माँ। कहने का मतलब ही कोई लड़का को इंडिकेट कर रहा है, मेल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, उसके बारे में बोला जा रहा है। वह जो आज है, उस जो कुछ भी हुआ आज है, वो केवल अपनी माँ की वजह से है, जो एक विख्यात फेमस साइंटिस्ट है। अब दोस्तों एरर जो पार्ट है हमारा ए पार्ट में, ए में क्या एरर है, तो देखेंगे जब ये बोलना चाह रहा है, सेंटेंस का भाव है प्रेजेंट में, जो कुछ भी हुआ आज है, जब टुडे वर्ड लगा दिया हो तो वो कैसे उसके साथ हो? पास्ट वर्ब का हम यूज़ करेंगे, पास्ट वर्ब का यूज़ हो ही नहीं सकता है, वाज तो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें चाहिए प्रेजेंट, बिकॉज यहाँ टुडे वर्ड जो है ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। यहाँ कहना चाह रहा है, एक क्लाउज है दोस्तों ये, वट एवर ही वॉज टूडे, तो यहाँ हमें चाहिए वाज नहीं इज चाहिए, वट एवर ही इज टूडे, जो कुछ भी हुआ आज है, इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज मदर हु वॉज ए रिनॉन्ड साइंटिस्ट। ओके दोस्तों, आई होप ये सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों। और दोस्तों बेल आइकन जो है उसे क्लिक करें, ताकि अपकमिंग जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके थैंक यू सो मच।